सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करो वीडियो के एंड तक जाते जाते कि कैसी लगती है वीडियो, तुम कैमरा क्यों हिला रहे हो। तो आज की जो वीडियो का टाइटल है, ये हजरत सुलेमान से अल्लाह नाराज क्यों हुआ। चलता रहता है नाराजगी, तो प्यार मोहब्बत नाराजगी भी होनी बहुत जरूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करके देखते हैं एक बार। पहले Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehriban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrizi. Allah ke Nabi Hazrat Suleiman alayhi salam Allah se dua mangte the ke ae mere Allah mujhe wo maqam ata kar jo na mujhse pehle kisi ko mila ho aur na hi mere baad kisi ko mile. To bas Allah ne अपने नबी सुलेमान के लिए तमाम मखलूकात को मातहत कर दिया। जिन्नात, परिंदे, कीड़े मकोड़े, जानवर, इंसान सब आपके बात सुनते थे, आपके हुक्म को तस्लीम करते थे, आपके तख्त को हवा अपने कंधों पे उठाए चलती थी, आप परवाज किया करते थे। ऐसे ही शान और शौकत से आसमान पे सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त गुजर रहा था। हज़रत सुलेमान ने जमीन की तरफ देखा, एक औरत मुंह पे मट्टी लगी हुई अजीब हाल में पागलों की तरह फिर रही थी। अल्लाह के नबी सुलेमान ने सोचा कि इस पागल औरत से कौन शादी करेगा। अल्लाह को ये बात नागवार गुजरी। तो बस तख्त सुलेमान जैसे ही बढ़ते बढ़ते दरिया तक पहुंचा, जो अंगूठी सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में पहनी थी वो हाथ से उतर के पानी में गिर गई। जैसे ही अंगूठी का पानी में गिरना था, वो फिजा, जिन्नात, परिंदे, कीड़े मकोड़े सब सुलेमान अलैहिस्सलाम की शख्सियत से नावाकिफ होने लगे और तख्त धीरे धीरे जमीन की तरफ मायल होने लगा। जब जमीन तक पहुंचा, अल्लाह का नबी सुलेमान हैरान हो गया कि ये क्या हो गया। वो फिजा को हुक्म दे, लेकिन फिजा उनकी बात तस्लीम ना करे। वो जिन्नात को बुलाए तो जिन्नात उनकी बात तस्लीम ना करे। वो किसी मखलूकात से बात करना चाहे तो कोई मखलूकात बात का जवाब तक ना दे। वो जमीन पे फिरता रहा परेशानी के आलम में कि मुझसे क्या हो गया। सोचता रहा, चलता रहा, उसे ख्याल आया कि अल्लाह अपनी मखलूकात से प्यार करता है। मैं फिजा में था, जमीन की तरफ देख कर एक औरत को पस्त समझा, बेकार समझा, नकारा समझा। शायद ये बात अल्लाह को नापसंद है। मैं उस औरत से माफी मांगूंगा और उससे शादी करूंगा, शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे। ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, लेकिन वो औरत न मिली। बिलाखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब भूख लगी तो वो दरिया के साथ जो लोग मछलियाँ पकड़ते थे उनके साथ काम करने लगा। वक्त गुजरता रहा, एक दिन वो औरत मिल गई। जैसे ही औरत मिली, सुलेमान अलैहिस्सलाम करीब गए, दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगी कि मैंने तुम्हारे लिए गलत गुमान किया, तुम में ऐब तलाश किया। मैं ये भूल गया था कि तुम्हें मेरे खालिक, मेरे मालिक अल्लाह ने बनाया है। क्या तुम उससे शादी करोगी। वो गरीब, लाचार और बदसूरत औरत मुस्कुरा के कहने लगी कि इससे बड़ा शर्फ मेरे लिए क्या होगा कि आप जैसा इतना खूबसूरत जवान मुझसे शादी करे। मुझ बदसूरत से तो कोई प्यार ही नहीं करता। सारा दिन लोगों की तनकीद और तल्ख रवैये का सामना करना पड़ता है। अल्लाह के नबी सुलेमान ने शादी की और खुश रहने लगे। चंद अय्याम गुजरे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे ही मछलियाँ पकड़ रहे हैं तो एक मछली चमक रही है। लोगों ने पकड़ा और आपस में बात करने लगे कि ये पूरी मछली चमक क्यों रही है। बस मछली को काटना था। उस मछली के अंदर वही सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम देख के उस अंगूठी को फौरन अपने हाथ में पहन लिया। अल्लाह के करम से सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने फिर से सारी मखलूकात को मातहत कर दिया। वो हवा मातहत, जिन्नात आ गए, परिंदे आ गए। वो मछलियाँ पकड़ने वाले हैरान हो गए और माफी मांगने लगे कि हमें मालूम न था आप अल्लाह के नबी सुलेमान हैं। और फिर से सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो तख्त उड़ता उड़ता आपके कदमों तक आ पहुंचा। आप जब अपने तख्त पे बैठे तो दिल ही दिल में सोचने लगे कि अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन अमल ये है जब कोई इंसान अल्लाह की मखलूकात में ऐब तलाश करता है, किसी का दिल दुखाता है, या किसी को अपने आप से कम समझता है। सही बात है, कभी भी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। हर इंसान भगवान ने बनाया कि किसी को हम बोल देते कि कैसा है, ये मोटा है, ये खराब है, ये ऐसा है, तो वो सब गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। वाकई में यार, हर इंसान चाहता है वो सुंदर दिखे। अब उसको भगवान ने
मतलब उस तरीके से दिया है उसे, तो ऐसे ही नहीं करना चाहिए दूसरों, मतलब किसी को भी इंसल्ट नहीं बनता। बाकी आपको अगर वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताना हमें, बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को हमारे ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर और गुड नाइट।